हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे 2023 के लिए दी गई भविष्यवाणियां जो कि 16वीं सदी में नास्त्रेदमस द्वारा दी गई थी। नास्त्रेदमस फ्रांस के एक 16वीं सदी के भविष्यवक्ता थे। नास्त्रेदमस केवल भविष्यवक्ता ही नहीं, डॉक्टर और शिक्षक भी थे। ये प्लेग जैसी बीमारियों का इलाज करते थे। उन्होंने अपने कविताओं के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया था। तो आइए देखते हैं नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां। साल 2023 के लिए भी उन्होंने कई भविष्यवाणी की है, जैसे कि मंगल पर पहुंचेगा इंसान। नास्त्रेदमस ने यह भविष्यवाणी की है कि 2023 में मंगल पर रोशनी नजर आएगी। इसका मतलब यह लगाया जा रहा है कि मंगल ग्रह पर मानव जीवन की शुरुआत हो सकती है। कई देश मंगल मिशन की शुरुआत करते हुए इंसान बस्ती बसाने के लिए कई रिसर्च करेंगे। दूसरी भविष्यवाणी है, आसमान से आग बरसेगी। नास्त्रेदमस ने इस बात की भी भविष्यवाणी की है कि कई खगोलीय घटना भी हो सकती है जिसमें आसमान से आग बरसेगी। इसका मतलब यह निकला जा रहा है कि कोई उल्का बीन धरती पर गिर सकता है। तीसरी भविष्यवाणी है, तीसरा विश्व युद्ध। नास्त्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। इनके मुताबिक विश्व के कई देशों के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी। कई बड़े देशों के बीच टकराव की स्थिति हो सकती है। अब यह बात कितनी सच निकलती है यह तो आने वाले साल की स्थितियों को देखकर ही कहा जा सकता है। तो ये थी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां। किसी भी भविष्यवाणी को वक्त से पहले सच नहीं माना जा सकता। आने वाले साल में स्थितियों को देखते हुए ही कहा जा सकता है कि नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणियां कितनी सच साबित हुई है। 2023 से लेकर पॉजिटिव सोच रखना बेहद जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां सच होगी कि नहीं? क्योंकि उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हुई। 16वीं सदी में हुई भविष्यवाणियां 2023 में सच होगी कि नहीं, अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट करिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ।